काय काका एकदम घरातून आणलंय का सगळं? हा छान छान छान. तो अगर आप जुहू चौपाटी आ रहे हो ना तो इतने सारे खाने के ऑप्शन है यहाँ पे. ये पूरी लाइन देख रहे हो ना आप, पूरे खाने का ही ऑप्शन है. ये सनसेट व्यू. तो अभी आपको घूम फिर के अगर हुआ होगा तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ खाने के क्या क्या ऑप्शन है. हाँ तो खाने के बारे में जब नाम आता है तो चौपाटी पे आने के बाद पहले अपने को क्या दिखता है, ये सब कुछ दिखता है. जब आप आओगे तो एंट्री लोगे तो ये अंकल आपको दिखेंगे. ऐसे अंकल बहुत बढ़िया. हाँ तो यहाँ से अंकल के पास से आपको ये सब कुछ लेना है. जैसे जैसे शाम होते जा रही है, गर्दी बढ़ती जा रही है, तो ये जू की नॉर्मल डे की गर्दी है. मैं सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहा हूँ. तो आइए देखिए जू की गर्दी. ये जो साइड देख रहे हैं ना आप, ये साइड देख रहे हैं आप, बहुत गर्दी है यहाँ पे. ये लेफ्ट साइड में बहुत गर्दी है. ओके तो आपको ऐसे स्टॉल दिखेंगे, ऐसे स्टॉल दिखेंगे जहाँ पे लोग आते हैं और खाना खाते हैं. तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि ये स्टॉल कैसे दिखते हैं. क्या कर रही है, क्या बना रही है बाबू? हाँ क्या बोल, सैंड कैसल बना रही है. मैं आपको जो अंदर के खाने के स्टॉल है वो घुमाता हूँ, आइए मेरे साथ. तो अंदर के स्टॉल कुछ ऐसे दिखते हैं. ये लोग खा रहे हैं. क्या लिया है इन्होंने? पाव भाजी. कैसी है, टेस्टी है क्या? ओके तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है. बैक साइड से कुछ ऐसे दिखता है, बैक साइड से कुछ ऐसे दिखता है. सजावट कुछ ऐसी होती है और ये अंदर से कुछ ऐसे दिखता है. जो आना है, जो खाना है वो खा के जाओ यहाँ पे, ठीक है? तो दोस्तों अभी खाना खा लिया, पानी पी लिया, हमने घूम भी लिया. तो अभी बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है जुहू बीच को. तो चलिए हम फिर मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में.